हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं मैं आपके अपने चैनल आमिर बर्ड आइवरी में। जैसा कि मैंने ये पिछले टाइम आपको केज दिखाया था, जो मैं सेटअप भी बना रहा हूं मैं, तो उसी के अंदर आज मैंने अपने बर्ड्स को रिलीज़ किया है, तो वही आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। और बहुत सारे हमारे भाइयों के पास कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो भी आप सभी के साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जैसा कि बहुत सारे हमारे भाइयों ने, यानी जो हमें पहले से फॉलो करते हैं, उन्होंने देखा होगा कि जैसे मैंने ये न्यू सेटअप बनाया था न्यू केजेस का, जिसके अंदर मैंने पार्टीशन के अंदर 6 केज बनाए हैं टोटल। और साइज़ भी मैं और एक बार आप सभी के साथ में बता दूँ, हाइट के अंदर 1.5 फीट है, चौड़ाई जो है इसकी 1.5 फीट से ज़्यादा है, 20 इंच है, और अंदर गहराई जो है वो 2 फीट है। इस साइज़ के अंदर मैंने ये बनाया है, जिसके अंदर मैं आराम से कोकाटेल की भी ब्रीड ले सकता हूँ बाहर की साइड बॉक्स लगाकर, उसके बाद अफ्रीकन की भी ब्रीड ले सकता हूँ, बजीज की ले सकता हूँ, एग्जीबिशन बजीज की ले सकता हूँ, उस हिसाब से मैंने ये केज बनाया है। और जैसे मैंने बजीज वगैरह थे उनको पूरा के पूरा इसी के अंदर रिलीज़ किया है, और माशाल्लाह रिलीज़ करने के बाद पूरे बर्ड की क्वालिटी, बर्ड भी फुल हेल्दी हो गए हैं, एक्टिव हो चुके हैं, और माशाल्लाह आप बर्ड्स का कलर वगैरह भी देख सकते हो, और ज़बरदस्त क्वालिटी के अंदर हैं पूरे बर्ड। और ऐसा नहीं है कि जहाँ से मतलब मैंने कोई लॉट वगैरह परचेस करके लाकर छोड़ा है, पूरे के पूरे सिलेक्टेड पीस हैं, जिसके अंदर हर एक बर्ड जो है अलग म्यूटेशन है, अलग कलर वैरायटी है, उस हिसाब से मैंने बनाए हैं। और माशाल्लाह फेलो के अंदर भी बहुत अच्छी वैरायटी बनाई है मैंने, जिसके अंदर ये सेकंड वाला भी आपको दिख रहा होगा, पाइड के अंदर फेलो है, और बहुत सारे यूनिक यूनिक बर्ड रखे हैं इसके अंदर। जैसे ये डिस्टेंबर पाइड हो गया, पेंसिल मार्किंग के अंदर स्पैंगलर हो गया गोल्डन फेस, पीछे लेसविंग फेलो हो गया, ये रेनबो का मेल हो गया, ये ग्रे के अंदर एक फीमेल है स्पैंगलर के अंदर, बहुत सारे म्यूटेशन मैंने इसके अंदर इकट्ठा किए हैं, जिसके अंदर पर्सनल फेवरेट मेरा ये वाला बर्ड है, जो कि रेडाइज है, लेकिन बर्ड के ऊपर आपको स्पॉट दिख रहे होंगे, ये कोई कलर वगैरह नहीं लगाया हुआ, बल्कि ये बर्ड ही है, यानी उसके फेदर का कलर है येलोइश, जो कि बहुत रेयर होता है ये म्यूटेशन और ये निकलना। और माशाल्लाह ये भी मैंने अपने बर्ड के, यानी एक अपना दोस्त हैं अच्छे, उनके पास से मैंने परचेस किया है। उसके बाद ये वाला रेनबो है, प्योर रेनबो लाइन की फीमेल, उसके बाद ये पाइड वाला मेल है। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने शो बजीज के 2 मेल परचेस किए थे, वो वाले मेल भी हैं, पीछे भी आपको लेस विंग वगैरह दिख रहा होगा, ये क्लियर विंग है, ये वाला भी क्लियर विंग है। थोड़ा मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, यानी बर्ड को किस तरह से हमें पहचानना है। ये क्लियर विंग है ब्लू कलर का, जो नेट पर चढ़ा हुआ है, ये फ्रंट में जो है मेल है शो बजीज का, स्पैंगलर के अंदर ऑलिव स्पैंगलर है। उसके बाद इस वाले के अंदर मैं दिखा दूँ, वॉयलेट स्पैंगलर फीमेल है, ये फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है ये क्लियर विंग का मेल है ब्लू शेड के अंदर, उसके बाद गोल्डन फेस के अंदर फीमेल है स्काई ब्लू कलर के अंदर, उसके बाद ऑलिव पाइड मेल है, डिस्टेंबर पाइड है, वॉयलेट हैं, इस तरह के बहुत सारे वैरायटी के इसके अंदर बर्ड मैंने रखे हैं। और मेरा तो पहले ख्याल यही था कि इन सभी बर्ड्स को मैं सेपरेट सेपरेट करके ब्रीड लूँ, इनकी बजीज वगैरह जो भी हैं, तो फिर उतना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा काम की वजह से अगर मैं बाहर वगैरह चला गया तो उतना मुझे टाइम नहीं, यानी मैनेज हो पाएगा बर्ड को मेंटेन करने के लिए। उसकी वजह से मैं इनकी कॉलोनी बनाने वाला हूँ पूरे बर्ड्स की, जिसके अंदर सेपरेट तो मैं 2 केज रखूँगा, यानी या फिर 1 केज के अंदर सेपरेट रखूँगा,
जिसके अंदर फेलो होंगे पूरे और शो की पेयर होंगे, और बाकी के जितने भी मेरे बर्ड हैं क्लियर विंग, रेनबो, स्पैंगलर, ये सब बर्ड्स को मैं एक ही कॉलोनी के अंदर रखूँगा जिसके अंदर वो आराम से ब्रीड वगैरह कर सकेंगे और यूनिक यूनिक कलर म्यूटेशन मेरे पास प्रोड्यूस होगी। और इस हॉबी के अंदर मैंने देखा है कि पर्टिकुलर पेयरिंग वगैरह करके हम वर्किंग वगैरह करते हैं, लेकिन उससे अच्छा रिजल्ट हमें कॉलोनी के अंदर आता है, क्योंकि जो हमने एक्सेप्ट नहीं किया होता उससे अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है कॉलोनी के अंदर। उसकी वजह से मैं कॉलोनी बनाने का मेरा इरादा है। और ये वाला जो वॉयलेट कलर का यानी ग्रे है, लेकिन इसका ज़्यादा मेन पर्पस जो होता है वॉयलेट रेनबो प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं इसे, तो इसके लिए मैं इसे ब्लू शेड में, मेरे पास क्लियर विंग की फीमेल है उसको लगाऊंगा, जिससे कि ब्लू शेड और डार्क हो जाएगा और जिसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं वॉयलेट रेनबो निकलने के, वही वे वर्किंग के हिसाब से मैं लगाऊंगा। बाकी ये बर्ड मेरे कैसे लगे आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए, और चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए। और बहुत ही जल्द यानी संडे के दिन मैं एक सेटअप का वीडियो डालने वाला हूं अपने चैनल के ऊपर, जिसके अंदर कोकाटेल के बेहतरीन पेयर सेल के लिए भी हैं और अच्छे ब्रीडिंग पेयर्स हैं पूरे के पूरे। तो संडे के दिन अपलोड करने वाला हूं वो वाला वीडियो, तो उसको भी आप अपना एक अच्छा सपोर्ट दिखाओ। तो अगर वीडियो आपको ये कैसा लगा कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। और मैं सोच रहा हूँ कि सन कन्नूर वगैरह परचेस करने का, तो सन कन्नूर मुझे परचेस करना है या नहीं कमेंट के अंदर वो भी आप बता दो। और शो की आप साइज़ भी चेक कर सकते हो, माशाल्लाह बहुत हेल्दी साइज़ के अंदर हैं ये, और माशाल्लाह फुल ग्लो वाले भी हैं बर्ड। बर्ड की क्वालिटी कैसे लगी कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए।